मुझे केटी के डाइनर के सामने की ईंटें बहुत ध्यान से पेंट करनी होंगी और सबसे ज्यादा संभालना होगा खिड़कियों के पास में। अरे नहीं, सॉरी मैक्स, पर मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। मैं एक डायोरामा बना रही हूँ बनी स्काउट डायोरामा कॉन्टेस्ट के लिए। डायोरामा का मतलब होता है कि मॉडल। क्या तुम इसे पहचान सकते हो? हाँ, सही पहचाना, ये ईस्ट बनी हॉप का मॉडल है। देखा, ये केटी का डाइनर है, रोजेलिंडा का गिफ्ट शॉप और मिस्टर पियाज़ा का मार्केट। एक डायोरामा में छोटी छोटी चीजें ही सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, क्योंकि वही उसे बनाती है बेहतरीन। मैक्स की परेड? मेरे पास परेड करने के लिए वक्त नहीं है। बनी स्काउट लीडर आ रही है मेरा डायोरामा ले जाने के लिए, और उससे पहले मुझे इसे पूरा करना है। क्यों ना तुम वहाँ जाकर परेड खेलो? धन्यवाद मैक्स। अब मैं इस पेंट ब्लॉक का क्या करूँ? मैं इसे केटी के डाइनर का पिज्जा बना सकती हूँ। परफेक्ट रहेगा। बहुत बढ़िया। परेड मैक्स की। ये स्ट्राइप्स वैसे ही हैं जैसे कि रोजेलिंडा की छत पर हैं। परफेक्ट। हाँ? उप्स, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? अरे नहीं, रुको, तुम मेरे पूरे डायोरामा पर चिक ट्रैक्स बना रहे हो। मैक्स, मुझे लगता है ये तुम्हारे हैं। मैक्स की परेड? मैं अभी तुम्हारे साथ परेड नहीं खेल सकती। मुझे अपना डायोरामा खत्म करना है इससे पहले कि बनी स्काउट लीडर यहाँ पर पहुँचे। ये तो खराब हो गया। रोजेलिंडा के दरवाजे के आगे सब जगह लाल रंग के चिक ट्रैक्स बन गए हैं। आहा! अगर मैं इस पूरी जगह को लाल रंग से रंग दूं, तो ये वेलकम मैट के जैसा दिखेगा। रोजेलिंडा हमेशा ही अपने दरवाजे के आगे ऐसा ही कुछ सुंदर बिछाती है। अब ये और भी ज्यादा बेहतरीन दिखेगा। परेड मैक्स की। बस ये हो गया। अब मिस्टर पियाज़ा के मार्केट में किसी और चीज की जरूरत है, पर कौन सी? Oh no! संभाल कर रैबिट रेसर! मैक्स की परेड। परेड खेलने के लिए समय नहीं है मेरे पास। बनी स्काउट लीडर के आने से पहले मुझे अब सिर्फ डायोरामा नहीं खत्म करना, बल्कि सारी रैबिट रेसर की गड़बड़ को भी साफ करना है। हम परेड बाद में खेलेंगे। तब तक तुम किसी और चीज से क्यों नहीं खेलते मैक्स? जैसे ये यापी पपी, ये मजेदार है ना? तो मैं अपना डायोरामा पूरा करने के लिए जा रही हूँ। मेरे पास तो कुछ भी साफ करने के लिए वक्त नहीं बचा।
मुझे अभी तो मिस्टर पियाजा का मार्केट भी बेहतर बनाना है। सर एक मिनट, मैं इस क्ले को इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं इससे छोटे छोटे केले, संतरे और सेब बना सकती हूँ और उनसे एक फ्रूट स्टैंड बना सकती हूँ, ठीक मिस्टर पियाजा की दुकान के सामने होता है वैसा ही। फिर तो ये बेहतरीन दिखेगा। अब मिस्टर पियाजा का फ्रूट स्टैंड फलों से भरा हुआ है, ठीक असली वाले की तरह। मेरा डायोरामा अब बिल्कुल ईस्ट बनी हॉप की तरह लग रहा है, पर शायद अब भी किसी चीज की कमी है। बनी स्काउट लीडर, हेलो बनी स्काउट रूबी, तुम्हारा डायोरामा पूरी तरह तैयार है? हाँ शायद, पर मुझे कुछ और भी चाहिए था, लेकिन ओह, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ईस्ट बनी हॉप के मेन स्ट्रीट पर से चल रही हूँ। मैक्स, परेड मैक्स की। अरे नहीं, ये तो बहुत ही बेहतरीन आइडिया है रूबी। तुमने तो ईस्ट बनी हॉप का डायोरामा बनाया, वो भी मेन स्ट्रीट की परेड के साथ। सच कहूँ तो मैंने तो सिर्फ ईस्ट बनी हॉप का डायोरामा बनाया, पर मैक्स की परेड ने उसे बना दिया बहुत ही बेहतरीन। रूबी का लिम्बो। ये लो मैक्स, अब तुम्हारे पास भी एक ले है ट्रॉपिकल बीच पार्टी में आने वाले हर बनीज की तरह। इस फूलों की माला को कहते हैं ले। ये हवाईयन है। फ्लाइंग सॉसर। तुम अपनी फ्लाइंग सॉसर से कभी भी खेल सकते हो मैक्स। अब चलो, वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें बहुत मजा आएगा। फ्लाइंग सॉसर। हाय रूबी, ये ट्रॉपिकल बीच पार्टी कितनी अच्छी है ना? सब कुछ कितना ट्रॉपिकल है। कूल। फ्लाइंग सॉसर। मैक्स, फ्लाइंग सॉसर ट्रॉपिकल बीच पार्टी का हिस्सा नहीं है, पर लिम्बो डांस तो पार्टी का हिस्सा है। लिम्बो डांस क्या होता है? तुम देखोगी। दादी माँ, क्या म्यूजिक तैयार है? बिल्कुल तैयार है रूबी। और लिम्बो पोल भी तैयार है। यप, रोल सेट। पोल किस लिए है? ये डांस में इस्तेमाल होगा। मैं तुम्हें समझाती हूँ, जब दादी माँ म्यूजिक शुरू करेंगी तब सब लोग लाइन लगाकर पोल के नीचे से लिम्बो करेंगे, बिल्कुल इस तरह। देखा, बस इतना ही? ये तो आसान है। आहा। फिर जब हर बनी पोल के नीचे से चला जाएगा बिना उसे गिराए, तब मिस्टर पियाजा और केटी पोल को नीचे करेंगे और उसके बाद हम सब फिर कोशिश करेंगे। क्या होगा अगर किसी बनी ने पोल को गिरा दिया तो? या फिर खुद गिर गया तो वो बनी आउट हो जाएगा। समझ आया। हर एक राउंड में पोल और नीचे नीचे आता जाएगा जब तक कि सिर्फ एक ही बनी बच जाए, और वो बनी होगा लिम्बो चैंपियन। ऑलराइट। हाँ ऐसे ही करते हैं मैक्स, पर असली मजा तब आएगा जब तुम खुद उसके नीचे से जाओगे।
शुरू हो जाओ दादी माँ। ये लो शुरू। हाँ हाँ मुझे भी ट्राई करना है। मैक्स तुम्हारा लेग गिर गया था। मैंने कर दिया। कितना नीचे जा सकते हो तुम? बहुत मजा आएगा। वैलरी आउट हो गई। अच्छी कोशिश थी वैलरी। फ्लाइंग सॉसर। चलो हम पोल को और नीचे ले रहे हैं। ये रहा म्यूजिक। ओह ये तो मुश्किल होता जा रहा है। और नीचे। वाओ मजा आ गया। तुमने अच्छा किया लुईस। तुमने अच्छी कोशिश की लुईस। धन्यवाद। फ्लाइंग सॉसर। ओह मैक्स, तुम अपनी फ्लाइंग सॉसर के साथ ही खेलना, मगर इसे हमारे लिम्बो डांस से दूर रखना, ठीक है ना मैक्स? उप्स, तुमने तो वापस ले गिरा दी। वेल रूबी, लगता है जैसे अब हम दोनों ही बचे हैं। कौन बनेगा लिम्बो चैंप? हाँ सचमुच। रोजर आउट हो गया। वो नहीं जा पाया। अब सिर्फ मैं ही बची हूँ। गो रूबी, गो रूबी। अच्छा रहा। मैंने कर लिया। हुर्रे, बहुत बढ़िया। हुर्रे। और हमें मिल गई आज की लिम्बो विनर, और वो है रूबी। ये बहुत बढ़िया। खूब रूबी, खूब बढ़िया किया। धन्यवाद, पर मैं ये सच में नहीं कर पाती अगर ना होती मैक्स की। रूबी की क्रोके मैच। रम 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 रम। क्रोके खेलने के लिए कौन तैयार है? मैं हूँ। और मैं भी। तो हमें सिर्फ इन बॉल्स को इन हूप्स में डालना है। असल में इन हूप्स को कहते हैं विकेट्स, और तुम सिर्फ अपने ही बॉल को मूव कर सकती हो अपने मैलेट से।
पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉल कौन सी है? ये तो आसान है लुईस, तुम्हारे बॉल का कलर तुम्हारे मैलेट के कलर से मैच करेगा, जैसे तुम्हारे शूज मैच करते हैं तुम्हारे ड्रेस से। ओह, अब समझ में आया, मैं ब्लू हूँ। और मैं हूँ रेड। अब क्या? हम बारी बारी अपने बॉल को विकेट में से डालने की कोशिश करेंगे, इस तरह। जो सबसे पहले सारे विकेट्स में से बॉल को स्टेक तक पहुंचाएगा, वो होगा विनर। वाओ, तुम्हें तो क्रोके के बारे में बहुत कुछ पता है। दादी माँ ने मुझे सिखाया और फिर हमने दो गेम्स भी खेले, इसलिए अब मुझे सारे रूल्स पता है। वाओ, ये रेस कार कहाँ से आ गई हमारे क्रोके के बीच में? मैक्स की रेस कार। मुझे लगा ही था कि ये तुम्हारी है मैक्स। रेस कार मैक्स की। हम यहाँ पर क्रोके खेल रहे हैं और ये बहुत ही मुश्किल गेम है, और तुम्हारी रेस कार हमारे लिए ये और भी मुश्किल बना रही है। अगर हमने इस ट्रैक को इस तरह से घुमा दिया तो तुम्हारी कार हमारे गेम के बीच में नहीं आएगी, और इस तरह हम दोनों ही अपने अपने खेल खेल सकते हैं। तो फिर चलो खेल शुरू करें। मैक्स की रेस कार। पहले कौन खेलेगा रूबी? स्टेक पर जो कलर पहले होगा वो सबसे पहले खेलेगा, फिर दूसरा कलर, यही ऑर्डर होगी। यानी ब्लू, रेड, येलो। तो पहले वैलरी खेलेगी, फिर लुईस और फिर मैं। क्या तुम क्रोके खेलने के लिए तैयार हो? रेडी। ओह, मैंने इसे हूप से पार नहीं किया। कोई बात नहीं, इसे विकेट में से डालना कोई आसान काम नहीं है। अब तुम्हारी बारी है लुईस। बहुत ही बढ़िया लुईस, जितना मैंने सोचा था उससे आसान है। अब तुम्हारी बारी रूबी। हाँ? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी रेस कार को हमारी क्रोके गेम से दूर रखो। ठीक है रूबी, तुम एक चांस और ले लो। अगर तुमने बॉल मिस कर दी तो तुम्हारी टर्न गई, पर ठीक है, बाद में अच्छा खेल लूंगी। ओके, मेरी बारी। अच्छा शॉट था, अब मेरी बारी। वाओ, तुमने तो दोनों विकेट्स ले लिए लुईस। शायद आज मैं लकी हूँ। अब मेरी बारी है इन दोनों के साथ पहुँचने की। ग्रेट शॉट रूबी। रिबिट। मुझे खेल समझ आ रहा है। अब मुझे देखो। ये! मैंने इसे अपनी आंख बंद करके खेला। मुझे तो अपनी आंखें खुली रख कर ही खेलना होगा, तभी तुम दोनों तक पहुंच पाऊंगी। रैबिट रेसर ने तो मेरा शॉट बिगाड़ ही दिया था मैक्स। चलो तुम्हारे रेसर को आंगन के उस तरफ रखने का कोई तरीका ढूंढते हैं। देखो मैक्स, तुमने तुम्हारा ये लूप गलत दिशा में रखा है, इसलिए तुम्हारा रेसर हमारी गेम में आ गया। अब इसे हिलाना मत, ठीक है? हाँ, मेरी बात मानोगे ना मैक्स? नो मैक्सिमम मस्ती, ठीक है?
अगले शॉट में स्टेक तक बॉल पहुंचाई तो। मैं भी। पर अभी मेरी बारी है, मुझे मेरे बॉल को दो विकेट्स में से आगे निकाल कर तुम दोनों की बॉल्स के बीच में से स्टेक तक पहुंचाना है। राइट रूबी। रेस कार्स। मैक्स की रेस कार्स। ओह नो, अच्छा शॉट था रूबी। एक और नहीं। वाओ रूबी, तुम तो गेम जीत गई। पर ये तो मुझे नहीं लगता है कि मैं तुमने ही तो कहा था कि जिसकी बॉल सारे विकेट्स में से गुजर के स्टेक तक पहुंचेगी वही जीतेगा। क्रोकेट पूरी दुनिया में सबसे एक्साइटिंग गेम है। ये असल में इतना एक्साइटिंग नहीं होता, इसे एक्साइटिंग बनाने वाली चीज है